अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आई होप सब ठीक हो, खैरियत से हो। मैंने जो लास्ट व्लॉग अपलोड किया था ये उसी डे का है, लेकिन क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो इसलिए मैंने इसे सेकंड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर अम्मी जो हैं वो चापे बना रही हैं और मैं मूवी बना रही थी, और ये चापे बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इनमें से कुछ चाप जो थी वो अम्मी ने मेरी बहन के लिए भिजवाई थी। मैं और मेरे साथ ये सारे बच्चे जा रहे हैं मेरी बहन के घर कवल के यहाँ पर उसको खाना देने के लिए। आई होप आप लोगों के यहाँ पे भी इसी तरीके से होता होगा। जब बहनें अपने घरों में ससुरालों में होती हैं तो इसी तरीके से जो है वो चीज़ें उनके घर में सेंड की जाती हैं, और इस तरीके से मैंने इसे एल्युमिनियम फॉइल के अंदर कवर कर दिया था। ये क्लिप्स मैं आपको नहीं दिखा सकती थी। और यहाँ बच्चों की वर्कशॉप, जब हम आ गए तो माशाल्लाह से हसन सो रहा था और बेड लेके सो रहा था। हसन बहुत क्यूट है माशाल्लाह से, और अपनी मम्मा को बहुत तंग करता है, और जिस तरीके से वो सो रहा था तो मैंने कहा मूवी तो बनती है, ये ज़रूर बनाई जाए। ये देखिए किस कदर मासूम लग रहा है। और जब हम वहाँ से रिटर्न हुए तो हमारे साथ आतिफ था। हम लोग जब भी जाते हैं तो आते हमारे पीछे लग जाते हैं आने के लिए। जर्नी जैसी वो तलहा इतनी तंग गलियों से जो है वो गाड़ियां निकाल रहे हैं। ये गली बहुत वैसी लगती है ना। और फिर हम यहाँ से सोसाइटी से निकल के मेन रोड के ऊपर आ गए थे। सन्नाटा बहुत ज़्यादा हो रहा था, सर्दी की रातें हैं और गाड़ियाँ भी बहुत कम नज़र आ रही थी रोड पर, और रोड भी जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा था, तो गाड़ी जो है वो बहुत आराम से चलानी पड़ रही थी। और माशाल्लाह मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी चीज़ लेनी हो, कहीं जाना हो तो मेरे साथ तलहा जाता है माशाल्लाह से। और मैं घर आ गई थी और घर पे जो अम्मी ने खाना बनाया हुआ था उसमें से ये बोटी केचप मायोनीज और दही के साथ में आतिर और चनीश को खिला रही थी। आई होप आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।